हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ शहनाज गिल के बारे में कुछ खबरें। जी हाँ, अगर आपको भी शहनाज गिल पसंद है तो आगे चलने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शहनाज गिल एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्हें पंजाब में मॉडल एवं गायिका के रूप में जाना जाता है एवं बिग बॉस के शो में आने के बाद सलमान ने इन्हें कैटरीना का नाम दिया, जिसके बाद से इन्हें कैटरीना भी कहा जाता है। इनका जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। शहनाज गिल ने सन 2015 से अपने एक्टिंग की शुरुआत की थी। एक्टिंग की दुनिया में इनकी एक एल्बम से हुई थी। वैसे तो शहनाज बचपन से ही एक्टर बनना चाहती है। जैसे ही उन्होंने एल्बम्स में काम किया उसके बाद से पीछे मुड़के दोबारा नहीं देखा और पंजाबी एल्बम्स में काफी नाम कमाए। शहनाज गिल एक सफल मॉडल और एक्टर ही नहीं बल्कि कमाल के सिंगर भी है। शहनाज ने बेहाम जैसे गाने से अपना नाम कमाया। वहीं शहनाज गिल अब बिग बॉस के बाद काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है और पंजाबी सिंगर, एक्टर और मॉडल हिमांशु खुराना के गाने आई लाइक इट को सबसे बेकार बताया, जिसके बाद से दोनों के बीच काफ़ी तीखी बहस छिड़ गई थी। वैसे बता दें, खूबसूरती के मामले में शहनाज भी किसी से कम नहीं। यही नहीं, शहनाज टिकटॉक पर भी काफ़ी एक्टिव रहती है। टिकटॉक पर इनके 2 मिलियंस फैन है, लेकिन जब से वह बिग बॉस के घर में आई है तब से वह पारस छावड़ा के साथ लव ट्रायंगल की खबरों में बनी रहती है। बिग बॉस के शो में शहनाज को काफ़ी प्यार एवं सम्मान मिला। बिग बॉस में आने के बाद शहनाज गिल और एक्टर हिमांशु खुराना की जंग हुई थी। एक्टर हिमांशु खुराना के बिग बॉस के घर में एंट्री देखकर शहनाज गिल ने काफ़ी हंगामा मचाया था। इनकी इन हरकतों को देखकर सलमान खान भी काफ़ी गुस्सा हुए थे और इनकी इन हरकतों की वजह से सलमान खान ने शहनाज गिल को काफ़ी फटकारे लगाई थी और कहा जाता है शहनाज गिल हिमांशु खुराना से काफ़ी जलती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।